जय हिंद सभी को। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ का कि सर अब कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। आप सबने फिजिकल ग्राउंड के कुछ रिव्यू देख लिए होंगे और आप खुद भी कुछ ग्राउंड करके आए हैं तो आप सबको पता है किस प्रकार से टोटल इस बार ग्राउंड चल रहा है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है लगभग 12 गुना बच्चों को पास किया गया था 7546 पोस्ट पर। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी दिल्ली पुलिस में 7546 थे जिस पर लगभग 86,000 बच्चों को बुलाया गया। आप सबने देखा होगा 86,000 में अगर मैं पूरे ग्राउंडों का रेशियो लूं तो 10% से लेकर मैक्सिमम 13% तक बच्चे पास हो रहे हैं इस समय तक, और लड़कियों में रेशियो और भी कम घटकर 10% से भी डाउन रहा है। ठीक है, लड़कियों का जो लड़कों का रेशियो बता रहा हूं मैं 10 से 13% ही बच्चे पास हो रहे हैं पूरे ग्राउंड में। जैसे आप सबने देखा होगा एक दिन 800 का ग्राउंड था उसमें लगभग 111 बच्चे पास हुए थे, फिर अगले दिन एक 800 बच्चों का ग्राउंड था उसमें लगभग 103 बच्चे पास हुए थे। अगर ओवरऑल परसेंटेज में देखा जाए तो 13% के आसपास हम पूरा का पूरा फिजिकल ग्राउंड घूम रहा है इस बार। अगर हम इसको निकाले मान लो 86,000 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, अगर हम 10% लेके 10% बच्चे फिजिकल क्रॉस कर रहे हैं टोटल तो लगभग कितने हो गए भाई लड़कों में 8,600 यानी 8,600, और पोस्ट ऑफ वैकेंसी कितनी है इनमें से लड़कों की 7500 में से लगभग 4,500 के आसपास वैकेंसी किनकी है लड़कों की है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इससे दुगुना भी नहीं बचेंगे यानी एक सीट पर दो भी नहीं बचेंगे। सेम लड़कियों के लिए लगभग 3,000 के आसपास की वैकेंसी है और लड़कियों का रेशियो और भी नीचे रहने वाला है। वैसे आपको इसके एग्जिट आंकड़े भी मैं बता दूंगा टोटल कि कितने पास हुए, इसके लिए मैंने आरटीआई लगा दी है वो आंकड़े भी बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि 4500 बच्चे लड़के रहेंगे उनमें लगभग जो पास होंगे वो 8,600, और अगर हम 13% भी ले लेते हैं मान के चलो कि अगर मान लो हमने कम लिया 10%, अगर हम इसको 13% कर देते हैं या 15% कर देते हैं, अगर 15% मैक्सिमम ले रहे हैं भाई 15% करेंगे तो इसका आधा और इसमें जोड़ देते हैं यानी 4,300 और जोड़ देते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे भाई 12,900। पोस्ट ऑफ वैकेंसी लगभग 4,500 से 5,000 के बीच में, तो इस वैकेंसी से इतने बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई होंगे। अब इसको लेकर काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर फिर मेरिट के एक नंबर दो नंबर भी नहीं बढ़ेगी, इस चक्कर में मत रहना आप एसएससी जीडी की तैयारी कर लेना, कट ऑफ ऊपर जाएगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत अच्छे बढ़े हैं। मैंने देखा है नॉर्मलाइजेशन में मेरे पास में लगभग 50 बच्चे होंगे सिर्फ दिल्ली पुलिस के, उनमें से 40 बच्चों के नंबर बहुत अच्छे बढ़े हैं यानी जिनके 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर ऐसे बढ़े, समझ गए। 10 बच्चे ऐसे हैं इन 50 में से जिनके 1 नंबर या 2 नंबर या 1 से भी कम बढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम जो रेशियो किनका है 40 बच्चों का है यानी इनके नंबर बहुत अच्छे बढ़े। अब एक सीट पर दो, तो दिल्ली पुलिस में हमेशा यही होता है एक सीट पे दो ही बचते हैं फिजिकल के बाद में, और पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी ना वो भी एक सीट पे दो बचने पे ही थी। दिल्ली पुलिस में फिजिकल इतने ही बच्चे पास होते हैं, ऐसा नहीं कि इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है हर बार लगभग ये रेशियो। मैंने पिछली बार तुमको एक चीज बताई थी कि अभी एक पिछला मेरा वीडियो उसका लिंक में दे रहा हूं, उसमें पिछले फिजिकल की पूरी डिटेल है कि कितने बच्चों को बुलाया था, कितने बच्चे पहुंचे थे, उनमें से कितने पास हुए थे। ठीक है, 25,000 लड़के पहुंचे थे, लगभग 9,000 के आसपास लड़कियां पहुंची थी, ऐसा कुछ था ना उसकी डिटेल। हाँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे आप देख लेना, और उसके बावजूद फिर बाद में कट ऑफ 10-10 अंक बढ़ रखी है, समझ के बात को। तो उतने ही बच्चे इस बार पास हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कम बच्चे पास हो रहे हैं, इतने ही होते हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल में पास, इसीलिए 12 गुना बुलाए जाते हैं, एसएससी जीडी में 8 गुना बुलाए जाते हैं, इसमें 4 गुना पहले से ही ज्यादा बुलाए जाते हैं और उसके बाद में भी कट ऑफ जाती है। तो अब मेरे हिसाब से अगर आप मानो कितने प्लस चली जाएगी, तो मैं बोल रहा हूं अगर जनरल कैटेगरी से है तो 6 से 7 अंक प्लस जाएगी, इससे ऊपर जा सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो भी 6 से 7 मान लीजिए, अगर आप एससी या एसटी से हैं तो 5 अंक ऊपर जाएगी लड़कों की कट ऑफ, ये जो नंबर अभी आपके सामने आ रहे हैं ना इससे ऊपर जाएगी, इससे नीचे नहीं रहेगी, ये मैं 100% आपको बोल देता हूं। इसलिए अगर आपके इससे नीचे हैं तो आपको खराब नहीं होना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए, एसएससी जीडी की एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। सेम लड़कियों में अगर ये देखा जाए तो लड़कियों में ये रेशियो 4 से 5 ले सकते हो, ओबीसी के लिए 3 से 4 ले सकते हो, एससी एसटी के लिए +3 अंक कम से कम जाएगी ही जाएगी, इससे नीचे रहने के कोई चांसेस नहीं है। आप सब देख रहे हैं वीडियो भी देख रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर 10% ही तो पास हो रहे हैं, कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। जिस दिन कट ऑफ आएगी ना उस दिन एक वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को सेव कर लेना, मैं बोल रहा हूं जाएगी कट ऑफ।
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बहुत बड़े मेरे भाई, वो कहां जाएंगे फिर, समझ गया बात को। इसलिए अगर आपके नंबर कम है एसएससी जीडी पे फोकस करिए, टारगेट करके उड़ा दीजिए भाई इस बार। जय हिंद जय भारत।